सदियों पुराना ये अफसाना हिमालयों के परे दूर एक रहस्यमय दून जहां बसा एक अदृश्य साम्राज्य शंभला। शंभला, जहां प्राचीन प्रज्ञता आज भी जिंदा है, कल की अवतार का जन्म स्थल, वो स्वर्ग लोक सदृश्य भूलोक, जिसके बारे में कहते हैं कि वहां धर्म चारों पद पर चलता है, जो मानवता को एक दिन कयामत से बचाएगा। लॉस्ट होराइजन यानी खोई सीमा 1930 में जेम्स हिल्टन की लिखी काल्पनिक कहानी, जो शांग्रीला के तथ्य पर आधारित थी। लुप्तवादियों में रची ये कहानी, जहां मानवता आत्मविनाश से संरक्षित था, उस समय के यानी कि दोनों विश्व युद्ध के निराशात्मक समय के बीच में आशा की नई किरण जैसी थी। इस कहानी के जड़ प्राचीन भारत के उपाख्यानों में दृढ़ मूल थे। 16वीं शताब्दी में भारतवर्ष की मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा थी। अकबर को हिंदू पुराणों में वर्णित तथ्य और कथाएं बड़े रिझाते थे। उसी में से एक तथ्य थी गंगा मैया की, जिसके बारे में कहते हैं कि वे स्वर्ग से आ गिरी। तो अकबर ने एक वृंद को गंगे की उद्गम खोजने के लिए भेजा। वृंद वापस आकर बयान दी कि हिमालयों के परे एक अद्भुत साम्राज्य थी। अकबर के ईसाई मतानुयायी मेहमानों को जब इस बात की खबर लगी तो वे हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उनको लगा कि उस साम्राज्य का निरूपण और प्रथाएं उनसे काफी मिल रहे थे। उन्हें वो किसी खोई दुनिया से कम नहीं लग रहा था। तब से यानी कि 16वीं शताब्दी से पश्चिम वासियों की लगातार आवाज रही उस जादुई साम्राज्य के खोज में। उन दिनों वहां जाने के तीन मार्ग थे, पूरब में सिक्किम प्रांत के जरिए, पश्चिम में लद्दाख प्रांत के जरिए, और तीसरा सीधे उत्तर की दिशा में, जो सबसे आसान परंतु कठिन मार्ग था। उस समय के पुराजकीज भारत की राजधानी गोवा के जेसुइट पादरी अंटोनियो दे अंड्राडे ने यही मार्ग चुना था। बद्रीनाथ पहुंचकर वहां से मनापास के जरिए उन्होंने तिब्बत में कदम रखा। वे सर्वप्रथम यूरोपी माने जाते हैं जो इस प्रयास पर निकले। साल 1808 में एक ब्रिटिश वृंद मनापास तक पहुंचा, लेकिन वहीं से वापस मुड़ गया, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि उन शिखरों के परे देवों का शहर बसता है, परंतु चेतावनी दी कि अगर वहां गए तो शिल में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। तो फिर शंभला में आखिर ऐसा क्या है और क्या है शंभला? शंभला का संस्कृत में अर्थ है शांति और नीरवता का स्थल। शंभु आलया, शम मतलब सुख, भू मतलब धरती, आला मतलब आलय। इसे आर्यवर्त का निवास स्थल भी कहा गया है। सनातन धर्म में इसे सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धाश्रम का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, जो मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराणों में, रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। शंभला को चार मतों में माना गया है। चीन इसे सीटियन मानते हैं, प्राचीन रूसी इसे बिलोवोडिये मानते हैं, तिब्बती बौद्ध और प्राचीन तिब्बती चांगजुंग भी इसे डेजुंग मानते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग इसे और मोलुंग रिंग मानते हैं। पश्चिम वासियों ने इसे और कई नाम दिए हैं, जैसे कि हजार वर्ण स्थल, निषिद्ध स्थल, श्वेत पानियों का स्थल, उज्ज्वल प्राणियों का स्थल, चमत्कारों का स्थल, सप्राण देवों का स्थल, सप्राण अग्नि का स्थल और कई और। बौद्ध अनुवाद हिंदू अनुवादों के रूपांतर है, परंतु बड़े पैमाने पर इसका विवरण किया है कालचक्र में। कालचक्र तिब्बती बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। इसका वर्णन यूं है, साम्राज्य गोल आकार है, जो चारों तरफ से हिमानी पर्वतों से घेरा है। भीतर आठ विभाजने हैं, जो छोटे पर्वत श्रृंखला से विभाजित है। इसमें 96 रियासतें हैं और हजारों शहर। केंद्र में शंभला राज्य की राजधानी कलाप है,
जिसका अर्थ है वो जो पृथक टुकड़ों को जोड़े। तालाब के पूर्व दिशा में मनसा झील है और पश्चिमी दिशा में श्वेत पद्म झील है। इन दोनों के बीच दक्षिणी दिशा में चंदनी उपवन है, जिसके बीचों बीच काल चक्र मंडल है। ये चारों ईच 12 योजने आर पार है, यानी कि करीब 144 से 180 किलोमीटर। मान्यता है कि कल्पवृक्ष पेड़, जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, वो भी यही है। कलाप के केंद्र में 9 मंजिलों की आलिशान राजभवन है, जो मणि रत्नों से बना है। ये राजभवन को कुछ स्फटिक का पर्वत भी मानते हैं। राजमहल के झरोके टेलीस्कोप जैसे हैं, जिससे दूरस्थ ग्रह और नक्षत्र का या ग्रहांतरवासियों का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि अंतरिक्ष से जो चिंतामणि धरती पर गिरी थी वो शंबला में है। वैसे हिंदुओं की मान्यता है कि वो अब नागलोक में है। चिंतामणि को विश फुलफिलिंग स्टोन भी कहते हैं, यानी कि सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली मणि। इसकी खबर लगते ही हिटलर इसके पीछे पड़ा था, ताकि वो दुनिया का सर्वशक्तिशाली अधिनायक बन जाए। शंभला को कुलिका या कल्कि वंश के राजाएं पालते हैं। कुलिका का अर्थ है सारे कुलों को एकजुट सम्मिलित करने वाला। सर्वप्रथम धर्म राजा सुचंद्र थे, जिन्होंने 876 ईसा पूर्व तक राज्यपालन किया था। शाक्य मुनि बुद्ध ने उन्हें कालचक्र तंत्र की ज्ञान दी, जिसके अभ्यास के अंततः वे प्रबुद्ध समाज बन गए। उनके पालन अनंतर 6 और धर्म राजाएं थे, जिनके वारिस कल्कि राजाएं बने। सर्वप्रथम कल्कि राजा मंजुश्री यशस थे। कल्कि राजाओं के 25वां और अंतिम राजा रुद्रचक्रन या कल्कि के नाम से जाने जाएंगे। पिछली विष्णु जी के 10वें अवतार हैं, जो पापों का विनाश करके सतयुग का आरंभ करेंगे। कहते हैं कि चिरंजीवी हनुमान जी यति रूप में शंभला में ही तप करते हुए निवास रहे हैं। शंभला का वातावरण सुहावना है और निरंतर चंदन की खुशबू से महकता रहता है। वहाँ के पेड़ पौधे जीव जानवर भी अनोखे हैं। वहाँ के प्रजा की काया अति सुंदर है और कहते हैं कि वे सब अमर हैं। वे टेलीपैथी से संवाद करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी भी सुपर एडवांस्ड है, जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इतने शानदार राज्य को कोई भी मैप पर या सैटेलाइट से, जीपीएस से पिनपॉइंट नहीं कर पाया। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि वो हिमालयों के परे है। तिब्बती चांगजुंग अनुयायियों के अनुसार ये हिमाचल प्रदेश के सतलुज घाटी में है। रूसी आध्यात्मिक वेता निकोलाय रेरिक के हिसाब से तिब्बत और मंगोलिया के बीच हो सकता है। मंगोलियंस मानते हैं कि यह साइबेरिया की घाटियों में है। कुछ मानते हैं कि कश्मीर है, तो कुछ मानते हैं कि यूरेशिया के पर्वतों के बीच है। डॉक्टर एडविन बर्नबॉम द वे टू शंभला किताब के रचयिता कहते हैं कि शंभला मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि 3D अर्थ पर और 4th और 5th डायमेंशन में भी मौजूद है। हमारे सातों चक्रों को एक्सेस करके हम अन्य डायमेंशन में कदम रख सकते हैं। भूमि पर हाईएस्ट एनर्जी सोर्स है हिमालय। मेडिटेशन का इफेक्ट हिमालयास में इसी वजह से मल्टीप्लाइड मिलता है, क्योंकि शंभला मल्टी डायमेंशनल है। जो अपने चक्र एक्टिवेट करके दूसरे डायमेंशन में कदम रख सकते हैं, उनको शंभला कहते हैं। इसी वजह से मानते हैं कि शंभला हिमालयों में है, लेकिन दरअसल उसके द्वार हमारे मन में।